हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है वीवो Y30, जिसमें चार्जिंग प्रॉब्लम होती है, उसको नहीं रिपेयर कर पाते हैं, कौन सी लाइन कहाँ जाती है, किस लाइन में कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो इस बोर्नियो में आपको सारे कंपोनेंट्स और कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है उस चीज़ के बारे में दिखाया गया है और दर्शाया गया है, जिससे कि आप मोबाइल को आसानी से रिपेयर कर सके बिना कोई दिक्कत, बिना कोई झंझट के। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको लाइन देखने को मिलती है वो 5 लाइन देखने को यहाँ पे मिलेंगी। 5 लाइनों पे आपको GR वैल्यू चेक करनी है। जो इसमें आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है उस पर आपको वीबस की लाइन है ये हमारी, इस पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो आगे भी आपको लाइन में 5 वोल्टेज ही देखने को मिलेंगे, कोई भी कैपेसिटर लगा हो या भी कोई भी कंपोनेंट लगा हो। तो आप IC के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर के साइड देखने को मिलता है, जहाँ पे एरो का निशान है वहाँ पे आपको देखने को कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि पैरेलल में लगे हों। उसके बाद में ये लाइन हमारी चार्जिंग IC के अंदर चली जाती है। उसके बाद में यहाँ से एक और रेड लाइन देखने को पा रहे हैं, वो हमारी VPS पावर की लाइन है। और उसके नीचे आप देखेंगे एक डार्क, जो रेड कलर की डार्क में है, वो हमारी हो गई VBAT की लाइन, जिस वे हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। अगर ये वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो इस IC के अंदर प्रॉब्लम है, अगर वीबस की लाइन ओके है तो। उसके बाद में इसके कंपोनेंट चेक करने हैं। अब इसको देखते हैं कि ये लाइन हमारी आगे कहाँ पे जाती है। तो ये जो सबसे नीचे की लाइन है ये हमारी VBAT की लाइन है, जो कि डार्क में है, रेड में, ठीक है दोस्तों। तो इस ये आते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये बैटरी के कनेक्टर पे होके एक TP पॉइंट पे जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो लाइन है ये हमारी पॉजिटिव है, जिसे VBAT की लाइन कहते हैं। इस पर बैटरी का कनेक्टर लगाते हैं। उसके बगल में ये हमारा TP पॉइंट है, जिस पर हम अपने वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी लगी है तो इस पर आप वोल्टेज चेक करिए तो आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो हमारी ग्रीन कलर की लाइनें दिख रही हैं तो वो हमारी हो गई DPDM, और जो इसमें एक लाइन दिख रही है आपको बीच में, वो हमारी लाइन है बैटरी कनेक्टर पर थर्मल ID, यह बैटरी सेंस की लाइन, ठीक है। इस लाइन को भी देखेंगे, इसमें सारी लाइनों को आपको दर्शाया गया है कि आपको मोबाइल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, यह बोर्नियो की खासियत है, जिसमें आपको कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है। इसमें से अगर कोई पार्ट मिस होता है तो आप स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइनें आपको देखनी है DPDM की और थर्मल ID की। तो ये जो हमारी DPDM की लाइन है, यहाँ पे चार्जिंग IC के नीचे इसके कंपोनेंट दिए हैं। उसके बाद में ये लाइनें CPU के अंदर जाती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।